कितना भी बड़ा पापी हो, हमसे जाने अनजाने में यदि कोई पाप हो गया है, हमने पाप किया है और हम नरक गामी हैं, तो हमारे पास एक उपाय है, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। अजामिल जैसा एक पापी व्यक्ति जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रख रखा था, उसने मरते समय बेटे को बुलाया तो परमपिता परमात्मा ने सुन लिया और उसे नरक जाने से बचा लिया, उसके पापों का दंड भोगने से उसे बचा लिया। तो आप भी यदि भगवान के नाम के आश्रित हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो शरणागत भगवान की शरण में सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनाश ही तवहि। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान की शरण में आ जाए और कह दे कि प्रभु मैंने अपराध किया है, स्वीकार कीजिए, मैं आप गलती नहीं, गलती जो की तो की, अब ना करो, तब भगवान क्षमा कर देंगे। क्षमा, शरण में आए हुए को भगवान क्षमा करते हैं। कोटि विप्रवद लागे जाहू, आए शरण तजई नहीं ताहू। शरण में आया हुआ करोड़ों ब्राह्मणों का ही हत्यारा क्यों ना हो, भगवान की शरण में आ गया और भगवान को पुकारा है, क्षमा कर देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अजामिल का कल्याण हो गया केवल नाम के बल से। पार्षदों ने फिर उम्र दी, अजामिल ने खूब 12 वर्ष तक खूब नाम जप किया, फिर उसकी मुक्ति हुई। तो नाम ही काम करता है मेरी माँ, इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को गुरु बनाया, तो विश्वरूप ने भी राक्षसों के, इंद्र ने यज्ञ कराया तो राक्षसों को आहुति दे दी, तब इंद्र ने अपने गुरुजी का सिर ही काट लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र ने 4 लोगों में अपनी हत्या बांटी, स्त्री को हत्या दे दी, मैया ओ पंचायती मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, हो गई पंचायत आप दानों की, और कर लो अच्छे से। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी,